बघेरे छोले आलू टिक्की छोले भी बनते हैं और बाहर जाएंगे अब। इस ब्लॉग गाइस आज हम जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन, और किस किस के साथ जा रहे हैं ये आपको दिखाते हैं आगे। और मथुरा और वृंदावन सबसे पहले तो दर्शन करने जाएंगे ही, लेकिन जो मस्त है जो हम अपना करते हैं वो है स्ट्रीट फूड। मथुरा का स्ट्रीट फूड कवर करने जा रहे हैं यार सुबह सुबह। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं ऑन टाइम। और मैं अपने घर से निकला था पहले स्कूटी से, और उसके बाद अब मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे गाड़ी से जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। वरना पहले सोचा था कि क्या कहते हैं बाइक से जाएंगे और पूरा मस्त फन करते हुए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल गाड़ी में भी मज़ा आता ही है, और पहले सबसे पहले सेफ्टी देखी जाती है यार। और इसके बाद अब यार एक तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह, और सुबह बेस्ट होता है निकलने के लिए क्योंकि जितना भी ट्रैफिक होता है ना उससे हम बच ही जाते हैं। और सेकंड थिंग कि यार जो मस्त बारिश हुई है कल, और भी सुहाना मौसम कर दिया है, और ट्राई करेंगे बोटिंग भी करते हैं वहाँ पे। वहाँ की बोटिंग मतलब अलग ही होती है, नॉर्मल ऐसे वैसे बोटिंग नहीं। चलते हैं और सबसे पहले पहुँचते हैं सीपी, उसके बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी। चुके हैं सीपी और ये रहे हमारी सवारी भाई, ऋषि भाई ने लिए गाड़ी, और आज की ट्रिप जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है ऋषि भाई। चलो भाई चलते हैं। पहुंच चुके हैं मथुरा, और मथुरा के आगे वृंदावन पड़ता है, वहां पे पहुंच चुके हैं। और हम दूसरे रास्ते से आए हैं जो अंदर वाला रास्ता है। अगर किसी को भी पार्किंग ढूंढनी हो, सबसे पहली बात अगर अंदर के रास्ते से आ रहे हो तो बाकी बिहारी पे लगा दो, और अगर बाहर वाले रास्ते से आ रहे हो तो प्रेम मंदिर के सामने लगा दो। पर बेटर है प्रेम मंदिर के सामने लगाओ क्योंकि वहां पे काफी खुली रोड है तो आराम से पार्क कर पाओगे, अंदर बहुत ही कंजेस्टेड है तो नहीं पार्क कर सकते। और बाकी अब हम घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में, और अब सबसे पहले जाएंगे बाके बिहारी टेम्पल के में। और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे गलियों का पूरा क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पता ही है यहाँ पे पेड़े की शॉप्स हैं बहुत सारी, और पहले व्लॉगिंग भी करते हैं, और उसके बाद अगर जो भी चीज़ देखनी हो आपको फूड से रिलेटेड वो सीधे आपको पेज पे मिलेगी। इस पे तो बस खाली थोड़ी बहुत ग्लिम्स दिखाऊंगा। चलो क्या क्या रेट है यहाँ पे? 260 रुपये। अच्छा चलो ठीक है, तो 250 ग्राम वाले 3 डब्बे पैक कर दो। ठीक है ये वाला कितने वाले? 360 वाले। ठीक है भैया गाइस देख लो, ये भैया देसी घी में बने हुए हैं? नहीं ये वैसे खोए के। अच्छा ठीक है भैया, आपकी शॉप का नाम क्या है? 1200। कितने साल पुरानी है आपकी? तो हो गए कम अभी भी खुश। अच्छा आज ही खोली है? हाँ आज ही खोली है, आज सुबह खोली है ये कह सकते हैं, आज ही खोली है भैया के साथ मिलके। चलो कॉन्टेक्ट है। वन इज द एग्जिट, और इसके बाद हम चलते हैं परिक्रमा करके और बाहर जाएंगे। अब इस बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, कैसे हुए ऋषि भैया दर्शन पहले बताओ? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, बहुत ही हद से ज्यादा, पर भगवान के द्वार यार गर्मी हो ठंड आना ही आना है कहीं भी हो कैसे भी हो। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली आज, बहुत ही नॉर्मल था रश जो नॉर्मल होता है। और चलिए अब चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं मथुरा स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड कवर करने और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म अपनी टिक्कियाँ, आलू टिक्की बन रही है, और ये रहे छोले आलू टिक्की छोले भी बनते हैं, और ये रहा मूंग दाल का चीला ये, और बाकी पूरी रेसिपी देखनी हो तो यार
टंग ट्विस्टर पे आना और वहाँ पे दिखेगी आपको पूरी। और साथ में यहाँ पे लस्सी भी मिलती है, देख लो बिल्कुल ठंडी ठंडी ताजी ताजी। और ये रहा दही, और ये रही मलाई जो इस पे रखी हुई है बिल्कुल बर्फ की सिल्ली पे। और ये भैया ने सजा रखी है, यहाँ पे भैया जी बनाते हैं। भारतीय मिठाई, और यहाँ पे हमने बनाई थी इमरतियाँ गर्मा गर्म, और भैया ने हमसे इमरती भी बनवाई थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है हमने, हमें पता है हमने कैसे बनाई थी। और ये रही चाशनी में डूबी हुई इमरतियाँ, बहुत ही सुंदर बनाते हैं भैया। भैया देसी घी में बनी है ये, कितने रुपए किलो है यहाँ पे? 400 रुपीज किलो, ठीक है। आपकी शॉप का नाम क्या है? रॉयल काठी मिठाई। तो दोस्तों यहाँ पे आओ, सीधे बाकी बिहारी गली है और यहाँ से सीधे भैया की ये शॉप पड़ती है, और बहुत ही सुंदर सुंदर ये यहाँ पे मिलती है। तरफ फूड वॉक हम आ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत खाने नॉर्मल और थोड़ा सा रिलैक्स करने। और यहाँ पे हम आए हैं चौपाटी, ये बाहर पड़ता है बिल्कुल मेन आउटर सर्कल पे, और यू कैन से जस्ट प्रेम मंदिर के सामने। और यहाँ पे आप थोड़ा सा यू कैन से क्लासी खाना खा सकते हो, थाली और तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, लाइक पनीर टिक्कन और पिज़्ज़ा और बाकी स्वीट्स भी मिलती हैं यहाँ पे। और अब हमारा दिल्ली की तरफ प्लान बन रहा है यार, पूरा हमें स्ट्रीट वॉक ही करने आए थे, और बाकी बिहारी जी के दर्शन हो चुके, बाकी मंदिर क्लोज हो जाते हैं और वो 5 बजे के करीब खुलते हैं, तो वो सब हम कर चुके हैं। और अब हंसी आने का रीज़न ये है, ये भाई साहब आ चुके हैं नाचते हुए, इन्हें यहाँ पर भी मस्ती सूझ रही है। और पंजाबी जितने चाहोगे नचाओगे। यार क्या बात कर रहे हो, आप पंजाबी हो? पंजाबी थोड़ी ना, पहाड़ी हो? पहाड़ी ही हो, पहाड़ पहले आते हैं तो पंजाबी आते हैं। अब पहले पहाड़ी हुए ना फिर तो। चलो और अब हमारा यहाँ पे एंड करते हैं यार, और एंड क्या करते हैं, बस अब रोड ट्रिप, दोबारा रोड ट्रिप कह सकते हो, दिल्ली की तरफ चलते हैं और बस इसे एंड करते हैं। और बाकी बेस्ट टाइम जो है दर्शन करने का, जल्दी सुबह आओ, सारे मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद खाओ पियो, और उसके बाद ये बेस्ट जगह लगती है मेरे को चौपाटी। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये वैसे मैं 2 मार्च में आया था, अभी तक पूरा इनका काम नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सारा कुछ खाने का यहीं मिलता है, तो बेस्ट है। और बाकी स्ट्रीट फूड जो कवर करना है वो मैंने आपको पहले दिखाया ही था, बाकी स्ट्रीट फूड मिलता है वो बाके बिहारी मंदिर जी जहाँ पे हैं वहाँ पे उस गली में मिलता है, और बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। पान हो गया आपका, इमरतियाँ हो गई, और डोसा हो गया, चीला हो गया, बहुत कुछ मिलता है और बहुत ही सही है। और चलो ओके, अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। जाने से पहले हमें दिख गई है मटका कुल्फी, बहुत कम दिखती है दिल्ली में, और ये भैया ने बना के दिए। भैया एक बार घंटी तो बजा दो, क्या बात है भैया। भैया कितने रुपए की मिलती है? 20 रुपए प्राइस है इसका, लास्ट में बिल्कुल खा के जाना, गुलाब जामुन से बढ़िया टेस्ट आएगा इसका।